विजय न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के जो एग्जांपल है, log 2m to the base 3 equals log 3 minus m to the base 9 है, गिवन है। यहाँ से हमें इस इक्वेशंस के थ्रू हमें प्रूव करना है 4m square equals 3 minus m, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे, log 2m to the base 3 is equals to log 3 minus n to the base 9। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर log base 3 है, यहाँ पर 9 है। तो हम सबसे पहले दोनों तरफ बेस सेम कर लेंगे। तो इस 9 को अगर 3 करना है, बेस चेंज फार्मूला क्या है, बेस चेंज फार्मूला यूज करो। इधर अगर log a टू द बेस b रहा, इसे अगर बेस चेंज करना है तो log ये तो रहेगा, ये c समझ लो, डिवाइडेड बाई log ये b पावर जो बेस है ये यहाँ पर आ जाएगा आर्गुमेंट पे, और यहाँ पर c, यहाँ पर भी दोनों तरफ पावर में दोनों तरफ बेस सेम ही रहेगा, सी सी रहेगा, लेकिन ये a रहेगा, ये b रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, log बेस चेंज फार्मूला यूज करेंगे। बेस चेंज का फार्मूला क्या है, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू log a टू द बेस c डिवाइडेड बाई log b टू द बेस c। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे, तब ये बनते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो सेम ही रहेगा, log 2m टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बनते हैं, log 3 माइनस n टू द बेस 3 से करेंगे, डिवाइडेड बाई log 9 टू द बेस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो log 9 टू द बेस 3 है, इसे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर log टू द बेस 3 तो रहेगा, तो 9 को हम 3 स्क्वायर करेंगे, तो ऊपर का जो log 3 माइनस n टू द बेस 3 एक्सेस। तो ये अभी फ्रंट में लो, तो log का जो फॉर्मूला है, ए टू द log ए टू द पावर ऑफ m इक्वल्स m टाइम्स log ए, ठीक है। तो ये यूज कर दो यहाँ पर, तब ये 2 फ्रंट में आ जाएगा, तब यहाँ पर बनते हैं log 2m टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू log 3 माइनस n टाइम्स टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय, ये 2 फ्रंट में आ जाएगा, तो 2 इंटू log 3 टू द बेस 3 बनेगा। ये log 3 टू द बेस 3 का वैल्यू 1 बनता है, क्योंकि log a टू द बेस ये अगर रहा तो 1 बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन बेस है, कॉमन बेस में और आर्गुमेंट और बेस दोनों अगर सेम रहा तो उसका वैल्यू कभी भी 1 बनता है। तो यहाँ पर ये log 3 टू द बेस 3 का वैल्यू 1 बनते हैं, तो दिस इक्वल्स log 3 माइनस n टाइम्स टू द बेस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ओके। तो लेफ्ट साइड में है log 2m टू द बेस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बन रहे, log 3 माइनस n टाइम्स टू द बेस 3 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते, डिवाइडेड बाई 1 रख लो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करने के बाद ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 2 टाइम्स log 2m टू द बेस 3 बनेगा, ये दिस इक्वल्स log 3 माइनस n टू द बेस 3 आ जाएगा, ओके। तो अभी ये 2 इसके ऊपर लाओ, तो क्योंकि हमें मालूम है log ये टू द पावर और m अगर रहा तो m टाइम्स log ये बनते, तो ये m ऊपर लाया जैसा, ये ए टू द पावर ऑफ m के जैसा, ए टू द पावर ऑफ m है, तो 2 इसमें अगर ऊपर लिया तो log 2m टू द पावर 2 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू log 3 माइनस n टाइम्स टू द बेस 3, ओके। तो अभी ध्यान से देखो, इधर log 3 log 3 दोनों सेम है, तो ये दोनों कट हो करेंगे, तो 2m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस n रिमेनिंग रहेगा। 2m होल स्क्वायर मीन्स 4m स्क्वायर, 2 स्क्वायर m स्क्वायर, 4m स्क्वायर दिस इक्वल्स 3 माइनस n, यही हमें प्रूव करना था, ओके। देखिए
फोर एम स्क्वायर इक्वल्स थ्री माइनस एन प्रो दैट बोलता है, फोर एम स्क्वायर इक्वल्स थ्री माइनस एन प्रो क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।